हेलो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जितने भी आरआरबी एस्पिरेंट हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है, सब लोगों को देखनी चाहिए जिन लोगों ने CVT 1 दे रखा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमारे मन में एक भ्रम होता है, कोई हमें भड़का देता है, कोई हमें गलत न्यूज़ देता है, उसके हिसाब से हम अपने मान के चलते हैं कि होना है सिलेक्शन या नहीं होना है। कई सारे डाउट्स होते हैं। ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आप लोगों को काफ़ी हद तक रेलवे की जो पॉलिसी होती है कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की, रेलवे के जो प्रोसीजर होते हैं, उनके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। सो ये वीडियो पूरी देखना एंड तक, आपको क्लियर हो जाएगा, और विद प्रूफ ही दिखाऊंगा चीज़ जो भी दिखाऊंगा। सो अच्छे से देखिएगा गाइस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने कल कम्युनिटी गाइडलाइन में एक आप लोगों को पोल दिया था, जिसमें मैंने पूछा था कि RRB NTPC के CVT 1 में आपका रॉ स्कोर क्या है। तो मैंने जो आपको ग्राफ दिए थे, वो मैंने ऐसे दिए थे कि 40 से 48 नंबर जिनके हैं, 49 से 60 जिनके हैं, या फिर 60 से 68, या फिर इसके अलावा 68+ जिनके नंबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि 25% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर जो हैं वो 60 से 68 के बीच में हैं, और बाकी 19% ऐसे हैं जिनके जो नंबर है वो कितने हैं, 19%। यानी कि यहाँ पर जो टोटल 9K, यानी कि 9,000 लोगों ने वोट किया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 25 और 19, यानी 44% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 से ऊपर है, जिसमें से 19 तो ऐसे हैं जिनका 68+ है। अब अगर आप ऐसा मान लें कि 60+ जो आपके कैंडिडेट हैं, चलो 44 छोड़ो, मिनिमम पे जाते हैं, 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 40% कैंडिडेट के जो स्कोर हैं वो कितने, 60+ हैं। अब जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में कई लोगों ने बताया था, कई यूट्यूबर्स ने भी ये चीज़ बताई थी कि NTPC का जो CVT 1 होगा उसमें 40% कैंडिडेट को लिया जाएगा। मैंने उस टाइम पर भी और उसके बाद भी जितनी वीडियो मैंने बनाई, मैंने सब में आपसे यही कहा था कि ये 40% वाली बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि NTPC में जितनी वैकेंसी हैं, प्री एग्जाम में उस पर सिर्फ 20 टाइम्स, यानी कि 20 गुना कैंडिडेट ही उठाते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत पहले से बताता रहा हूँ, तो ये चीज़ मान के चलो ये 40% वाली बात बिल्कुल गलत थी। अब अगर अपन मान लो कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है, अगर आप उसका 20 गुना कर देते हो, तो करीबन 7 लाख कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो CVT 1 के लिए सेलेक्ट होने चाहिए। यानी कि रेलवे बोर्ड CVT 2 एग्जाम के लिए सिर्फ कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा, लगभग 7 लाख के करीब, यानी कि जो अपनी टोटल वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स। अब एक चीज़ यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि रेलवे किस तरह कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है और हमारे मन में कितने सारे भ्रम भी होते हैं। सबसे पहले आप अगर ये मान के चलो कि ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट हैं, 100% अगर कैंडिडेट हैं, तो उसमें से 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से ऊपर हैं, और ये कैंडिडेट सारे वो हैं जिनमें जनरल वाले भी हैं, EWS वाले भी हैं, OBC, SC, ST सब हैं। अगली चीज़ कि जो टोटल आपके फॉर्म मतलब इसमें जो अप्लाई हुए थे, वो तो कहते 1 करोड़ 26 लाख CVT 1 के लिए, लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे थे कि 50% ही कैंडिडेट पहुंचे थे CVT 1 देने के लिए, या 60% पहुंचे थे। तो अगर आप देखा जाए तो 70 लाख 65 लाख 60 लाख ऐसे करीब होते हैं कैंडिडेट के जो एग्ज़ाम देने गए। अगर मैं ये सब छोड़ो, मैं तो मिनिमम पे जाता हूँ, मान लो कि सिर्फ 40 लाख ही कैंडिडेट गए थे CVT 1 देने के लिए, तो आप अगर 40 लाख का 40% निकालेंगे तो 16 लाख कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 60 से ऊपर होंगे। चलो मैं फिर काम आसान कर देता हूँ, मैं और माइनस में लेके जाता हूँ, 16 लाख छोड़ो, केवल 15 लाख, 15 छोड़ो 10 लाख, 10 लाख कैंडिडेट भी ऐसे होंगे जिनके 60+ ऊपर होंगे। तो यार खुद सोचो, जो ये यूट्यूबर्स आप लोगों को फालतू में सांत्वना दे रहे हैं, भ्रम दे रहे हैं कि 48 नंबर में हो जाएगा, 50 नंबर में हो जाएगा, 35 नंबर में हो जाएगा, 40 नंबर में, तो खुद सोचो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या डाउटफुल नहीं है? कन्फर्मेशन तो है नहीं कि हो जाएगा। हाँ भाई, मानता हूँ कि जैसे SC ST की कट ऑफ 60 से नीचे चली जाएगी, ठीक, तो एक फिक्स रिजर्वेशन कोटा होता है ना, उससे ज़्यादा के लिए पोस्ट पर तो अप्लाई कर नहीं सकते, उससे ज़्यादा की पोस्ट तो मिलेंगी नहीं। अगर रेलवे ने सेलेक्ट कर दिया है कि 35,270 पोस्ट में से SC वालों को 5,000 मिलनी है, ST वालों को 4,000 मिलनी है, तो सिर्फ SC के 5,000 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे और ST के 4,000 कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा सिलेक्ट हो जाए। रेलवे ने जब से ये प्रोसेस चालू की है कि जितना कोटा जिस कम्युनिटी के लिए निकलेगा सिर्फ उतना ही भरा जाएगा। सो ये चीज़ को आप अपने दिमाग में खुद रखो कि अगर 7 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, तो क्या यार ये इतने 60-70 लाख जो लोग गए थे एग्जाम देने के लिए, क्या इनमें से सिर्फ 7 लाख कैंडिडेट ऐसे नहीं होंगे जिनके 60+ स्कोर हो सकता हो? देखो यहाँ पर एक चीज़ का मैं आप लोगों को क्लियरली बता देना चाहता हूँ, नॉर्मली सबकी आदत ये होती है, जब हम एग्जाम दे के आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे मार्क्स 50 आ रहे हैं और हमें लगता है कि एग्जाम का लेवल टफ है, तो हम यही सोचते हैं कि बाकी सबका स्कोर भी 50-60 के आसपास होगा,
और इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट ऐसे में आपको बोलता है कि नहीं मेरे 70 है, तो हमें अधिकतर यही लगता है कि वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर वो भी बात बता रहा हूँ मैं अपने जो मैंने पोल दिया था उसके अकॉर्डिंग लॉजिकली ही बात बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपसे छिपाने की बात हो या फर्जी बता रहा हूँ। और चलो आप लोगों की हिंट के लिए एक और आप लोगों को सुविधा दे देता हूँ, मेरा पोल छोड़ो, जिनके सब्सक्राइबर मुझसे ज्यादा है मैं उनके पोल भी आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यूट्यूब पर ये एक और चैनल है जिसके करीबन 2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने भी जब पोल रिक्वायर की कैंडिडेट से तो उसमें देख सकते हो आप कि जो ऐसे कैंडिडेट जिनके 60 से भी ऊपर मार्क्स आए हैं 21%, 70 से ऊपर वाले 8% और 80 से ऊपर वाले 3%, अगर आप इसे टोटल काउंट करें तो 21 और 8 29 और 3 32% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से ऊपर हैं, और इसमें भी सारी कम्युनिटी हैं, चाहे वो जनरल हो, SC ST OBC AWS कोई भी हो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बैठती है कि 30% कैंडिडेट, तो अगर आप मान लो कि 50 लाख कैंडिडेट भी एग्जाम देने गए तो 15 लाख हो जाते हैं कैंडिडेट जिनके 60 से ऊपर हैं, ठीक। और चलो एक और हिंट देता हूँ, अब ऐसे का बता देता हूँ जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, ये पुल जिस चैनल से उठाया है 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो उन्होंने भी स्कोर के लिए यही चीज़ दे रखी है कि 60% से ऊपर के कितने हैं और 70% से ऊपर के कितने हैं, तो अगर आप गौर करें तो 22% और 11% टोटल कितने हो गए 33, यानी 33% कैंडिडेट ऐसे हैं। अब इनके पे आप वोटिंग देख सकते हो, 133K वोट्स, यानी कि 133,000 लोगों ने कमेंट किया है। अब आप सोचो 133,000 का ही आप अगर 33% निकालोगे तो कितने सारे कैंडिडेट हो जाते हैं। सो गाइज मैं आप लोगों से ओवरऑल हर चीज़ को लेके यही कहना चाहूँगा कि देखो रेलवे को लेके, वो खासतौर पर रेलवे के एग्जाम से लेके कई सारे मिथ होते हैं जो हमारे मन में होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को क्लियर नहीं होती है। मैं स्टार्टिंग से जब से NTPC पर वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों से एक चीज़ तो शुरुआत से ही कहता रहा हूँ, ये कि 40% वाला भ्रम अपने मन में मत रखना कि 40% कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे या फिर 40% मार्क्स लाने पर क्वालिफाई किया जाएगा। ध्यान रखो जो टॉप पर कैंडिडेट होते हैं कम्युनिटी वाइज, जनरल के कैंडिडेट जो टॉप पर हैं, OBC के, SC के ST के, अब तो EWS भी शामिल है, इनमें जो टॉप पर कैंडिडेट होते हैं जिनका स्कोर अच्छा होता है उनमें से ही रेलवे क्या करता है 20 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। पिछले NTPC में एक सीट पर 15 कैंडिडेट CVT2 के लिए क्वालिफाई किए थे, जबकि इस बार रेलवे ने आप लोगों को और फायदा दिया है, एक सीट पर 20 लोगों को उठा लिया है, 5 कैंडिडेट को और मौका दे रही है कि तुम भी एक बार ट्राई कर लो, ठीक। तो इस चीज़ को अच्छे से समझो, मैं देखो अपने चैनल पर कोई भी चीज़ बताता हूँ मैं नॉर्मली आप लोगों को इसी चीज़ से बताता हूँ कि कोई भी मन में डाउट ना रह जाए। कट ऑफ को लेकर मैंने वीडियो बनाई, उसके अलावा मैंने आपको CV2 को लेकर भी बताई वीडियो, तो मैंने देखो CV2 की स्ट्रेटजी को मैंने कभी नहीं खींचा कि इतना नहीं ऐसा पढ़ो ये करो वो करो, मैंने जो आपको फैक्ट वाली बातें थी सिर्फ वहीं बताई। कट ऑफ को लेकर मैंने जो वीडियो बनाई वो ही मैंने आपको पहले बता दिया था कि कट ऑफ हमेशा एक्सपेक्टेड होती है, कोई आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता कि इतनी ही जानी चाहिए, क्या स्कोर रहना चाहिए आपका, क्या नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा जो मेरे साथ पहले से YouTube पर जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, लगभग 3 साल से जुड़े हुए हैं, उन सबको अच्छे से पता है, जब स्टार्टिंग में सबने पूछा था कि CVT1 के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तब भी मैं हमेशा यही कहता था कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं उन्हें हमेशा अपना स्कोर 75 से 80 के बीच में कम से कम रखना चाहिए, OBC वालों को 70 से ऊपर, SC वालों को 65, मैंने ऐसे शुरुआत से बताता आ रहा था हमेशा। अब कई लोग ये कहेंगे कि पेपर का लेवल ऐसा था स्कोर कम आया, यार एक लॉजिकली बात, चलो यार मैं भी अगर हूँ, मैं आज YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी पहले एग्जाम दे चुका हूँ, भले ही आज जॉब में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही होशियार हूँ, मुझसे अच्छे अच्छे कई इंटेलिजेंट कैंडिडेट बैठे हुए हैं जो लोग मुझसे भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो ये चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ मुझसे भी अच्छे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। आप में से भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुझसे लाख गुना पढ़ाई में होशियार होंगे, लेकिन किसी भी चीज़ को देखो कभी भी मन में मिथ नहीं रखना चाहिए, जो मैंने चीज़ बताई उसे एक बार अच्छे से गौर करो समझो और खुद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके चांस कितने सेलेक्ट होने के। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अब आपको आगे के लिए फोकस करना है, ये नहीं है कि इस चीज़ की वजह से आप अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि समय एक बार अगर गुजर गया तो वापस लौट के नहीं आता है। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कोई भी अपडेट या क्लेरिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।